आज बात एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की, जिसके बारे में मान्यता है कि चिट्ठी लिखने पर यहाँ होते हैं साक्षात देवता के दर्शन। कहा जाता है कि इस मंदिर में चिट्ठी की पुकार पर देवता सफेद घोड़े पर सवार होकर आते हैं, मन्नतें पढ़ते हैं और फिर होता है अलौकिक चमत्कार। क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्या वाकई में यहाँ देवता भक्त की पुकार सिर्फ चिट्ठी से ही समझ जाते हैं? संदेश भेजना उंगलियों का खेल है। आज के साइबर वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन माउस के क्लिक और इंटर से ट्रेवल करती है। संदेश व्हाट्सएप पर भेजा जाए या फिर ईमेल के जरिए, सेंड का बटन दबते ही मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है। लेकिन एक जमाना वो भी था जब सूचनाएं खातों के जरिए पहुंचाई जाती थी, और बदलते वक्त के साथ पोस्ट ऑफिस के दौर को भी दुनिया ने देखा है। मगर इस दुनिया में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है एक मंदिर में चिट्ठी का रहस्य। क्या कभी सोचा है कि भगवान को भी, मंदिर में विराजने वाले देवताओं को भी, दुनिया में किसी को न दिखने वाले सर्वशक्तिमान ईस्ट देव को भी चिट्ठी लिखी जा सकती है? क्या देवता को चिट्ठी लिखकर बुलाया जा सकता है? सुनने में ये भले ही अचंभे जैसा लगता हो, लेकिन क्या वाकई ये हकीकत हो सकती है? अगर नहीं, तो फिर उस मंदिर में लोग खत क्यों लिखते हैं? उस मंदिर में उस पेड़ पर इतनी चिट्ठियां आखिर क्यों टंगी दिखती हैं? उस मंदिर में आने वाला हर एक शख्स क्यों चिट्ठी पर लिखकर पहुंच जाता है? क्या भगवान इंसान के लिखावट पढ़ सकते हैं? क्या भगवान हर भाषा को समझ सकते हैं? क्या केवल चिट्ठी के जरिए भगवान को बुलाया जा सकता है? आखिर उस मंदिर में वो कौन से भगवान हैं जिसको दुनिया की हर भाषा, हर लिपि की जानकारी है? भक्तों की चिट्ठी पढ़ने आखिर भगवान किस इस मंदिर में आते हैं? क्या कभी किसी ने भगवान को भक्तों की चिट्ठी पढ़ते देखा है? अगर नहीं, तो फिर इस मंदिर में चिट्ठी लिखने की परंपरा क्यों है? इस मंदिर में मन की मन्नत को चिट्ठी के जरिए भगवान तक पहुंचाने की प्रथा केवल परंपरा का प्रतीक है, या फिर इस दावे में सच्चाई है कि मंदिर में देवता चिट्ठी पढ़कर मन्नत पूरी करते हैं? हिमालय की वादी में उस मंदिर में राज केवल यहाँ टंगे खतों में नहीं छिपा है, बल्कि सदियों से इस मंदिर के साथ जुड़ी है घंटियों की एक अनूठ पहेली। क्या खतों में लिखी मन्नतों की लिखावट और घंटियों की टंका हकीकत में दिलाती है भगवान का वरदान? आज पड़ताल हर उस राज की, हर उस पहेली की, जो दावा करती है कि इस मंदिर में सफेद घोड़े पर सवार होकर देवता आते हैं, अपने भक्तों की मन्नत की चिट्ठी को पढ़ते हैं, जरूरतमंदों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। मंदिर के बारे में चौंकाने वाला दावा है कि भक्त अपनी मन्नतें, अपनी ख्वाहिशें, यहाँ तक कि वो अधूरे फैसले भी जिनमें न्याय की आस होती है, सब कुछ स्टाम्प पेपर से लेकर चिट्ठियों पर लिखकर यहाँ पर टांग जाते हैं। और मान्यता है कि भगवान सभी की चिट्ठी पढ़कर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दावे में सच्चाई भी है या फिर ये
सिर्फ एक आस्था ही है, सिर्फ एक मान्यता ही है। इसकी पड़ताल भी हमने शुरू की। शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है। शब्दों में मंत्रों की शक्ति छिपी है, जिसके रहस्य से आज तक हर कोई अनजान है। तो क्या उस मंदिर में जो भी भक्त अपनी अर्जियों में अपनी मन्नतें काली स्याही से उकेरते हैं, उनमें मंत्रों की शक्तियां आ जाती हैं? अगर ये हकीकत है तो ये होता कैसे है? दुनिया के अलग अलग कोने से उस मंदिर में भक्त दर्शन को आते हैं। वो कौन है जो दुनिया के कोने कोने में जाकर हर भक्त की इच्छा और ख्वाहिशें पूरी करता है? इसी की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम भी निकल पड़ी। रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक ये रहस्यमय मंदिर दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है और इसका नाम है गोलू देवता मंदिर। इस चमत्कारी मंदिर के दावे की पड़ताल के लिए हमने अपने सफर को आगे बढ़ा दिया। उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ न्याय पाने के लिए लोग आते हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनके मंदिर को न्याय के मंदिर के तौर पे, न्यायालय के तौर पे देखा जाता है। लोग यहाँ पहुँचते हैं और कहा जाता है कि यहाँ चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, स्टाम्प पेपर पे पूरी दरखास्त लिखी जाती है। ऐसे ही रहस्य का पता लगाने के लिए आज हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ओर जा रहे हैं, जहाँ गोलू देवता के मंदिर में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस रहस्य का मतलब क्या है। रास्ता पहाड़ी था, घुमावदार सड़क से होते हुए लगातार हमारा सफर आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन राह के हर मोड़ के साथ चिट्ठियों का वो दावा हमें बहुत बेसब्र कर रहा था। अल्मोड़ा शहर से अब केवल 10 किलोमीटर का ही फासला बचा था। कुछ मिनटों के सफर के बाद हम अपनी मंजिल पर आ पहुंचे। हमने मंदिर के अंदर कदम बढ़ा दिए, लेकिन हमें मंदिर में आराध्य गोलू देवता के दर्शन से पहले उस चमत्कार को देखने की बेसब्री थी, जो दावा करती है कि इस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए भक्त अपने भगवान को चिट्ठी लिखता है। रहस्य की पड़ताल में हम गोलू देवता मंदिर छितई अल्मोड़ा में हैं और हम चारों ओर अगर मेरे देखेंगे तो आप इस तरीके से आपको ये अर्जियां नजर आ रही हैं, ये चिट्ठियां नजर आ रही हैं जो लोगों ने मंदिर में दरख्वास्त लगाई है, अपनी प्रार्थना की है कि गोलू देवता उनकी जो भी समस्या है उसका निवारण करें। किसी की अगर कहीं झगड़ा है तो उस झगड़े का निवारण हो। कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया, उसमें कोई फैसला हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं परीक्षा दी है तो उसका एडमिट कार्ड भी उन्होंने लगाया है, अब वो चाहते हैं कि भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। मंदिर में हमें भी चिट्ठियों का वो खजाना दिख गया जहां सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों अर्जियां अपने पूरा होने का इंतजार करते लटक रही थी। चितई गोलू देवता को न्याय का देवता इसलिए भी कहा जाता है, ये माना जाता है कि कोर्ट में या कहीं भी बाहर अगर आप न्याय लेते हैं तो आपको धन खर्च करना होता है, आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। आपने सिर्फ यहां एक चिट्ठी लिखनी है गोलू देवता के नाम पर, उनको वो चिट्ठी अर्पित करनी है और यहां इसको इस तरीके से लगा देनी है, और ये कहा जाता है कि उसके बाद वो उस पर त्वरित न्याय देते हैं। मान्यता है कि गोलू देवता अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। गोलू देवता के दरबार में जो भी भक्त अपनी परेशानी लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता।
सफेद रंग के कपड़े पहनने वाले सफेद घोड़े पर सवार गोलू देवता खुदा कर उसे हल करते हैं। मैं रो रही थी, मैं आंखों से आंसू चल रहे थे कि हे भगवान, अगर ये पूरा हो जाता है तब मानूंगी कि हाँ सच्चाई है। और वो सच्चाई मुझे दिखी। मैं जानती हूँ यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ आप जो सच्चे दिल से मांग के जाओगे वो पूरा होना है। इस मंदिर में गोलू देवता को त्वरित न्याय करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गोलू देवता भगवान शिव का अवतार है, और जहाँ शिव वहाँ सत्य, ये तो शास्त्र भी कहता है। इसीलिए इस मंदिर में सादे कागज से लेकर स्टाम्प पेपर तक हर किसी पर लोग अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, और ये सिलसिला सदियों से लगातार अनवरत चलता आ रहा है। होता है, बड़े बड़े मुकदमों में हमने देखा है कि लोगों के साथ न्याय हुआ है करके। लोगों का विश्वास है, उनका मानना है कि गोलू देवता के मंदिर में अपनी चिट्ठी, अपनी अर्जी, अपनी अरदास लगाने के लिए चिट्ठी लिख के रखी जाती है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साफ था कि मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है, क्योंकि उन्हें भगवान की वो कृपा मिलती है जिसकी मन्नत उन्होंने चिट्ठियों में लिखी होती है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन गोलू देवता चिट्ठी पढ़ते हैं, ये रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। गोलू देवता के मंदिर में चिट्ठी टंगे होने और देवता के न्याय करने की बात आस्था से जुड़ी है, लेकिन देवता हर एक भक्त की चिट्ठी से कैसे फैसला करते हैं, इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। लेकिन मंदिर में एक और रहस्य की पड़ताल अभी बाकी थी, और वो थी मंदिर में मौजूद लाखों घंटियों की भी पहेली। क्या इसका भी चिट्ठी से कोई संबंध है? आखिर लोग क्यों यहाँ पर घंटी बांध जाते हैं? मंदिर की ये घंटियाँ आखिर क्या भक्तों की मन्नत पूरी होने को प्रमाणित करती है? हमने इस रहस्य की भी पड़ताल की। प्रवेश द्वार से लेकर जहां तक आपकी नजर जाएगी, गोलू देवता के इस मंदिर में दिखाई देती हैं बस घंटियां। यहां इतनी घंटियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मगर घंटियों की गिनती नहीं रुकेगी। आज तक मंदिर में रहने वाले पुजारी भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर मंदिर में कितनी घंटियां हैं। कुछ घंटियां तो 500 किलो तक के वजन की हैं, जिनकी टंकार से कई किलोमीटर तक का इलाका गुंजायमान हो जाता है। गोलू देवता के मंदिर के रहस्य की हम पड़ताल कर रहे हैं। आप देखिए मेरे ठीक पीछे, आपको बहुत तरह की घंटियां दिखाई हमने। अभी एक घंटी आप ये देखिए, ये 500 किलो के करीब की है, और इस घंटी को बजाने के लिए भी अच्छी ताकत चाहिए। ये देखिए, ये पूरी घंटी आप देखिए, 500 किलो के करीब की घंटी है, और जिन्होंने यहाँ अर्पण किया है इस घंटी को, उनके उनके परिवार के लोगों के नाम भी लिखे हैं। एक दूसरी घंटी ये देखिए आप, इस तरह की ये सारी घंटियाँ लोगों के आस्था का प्रतीक हैं। सवाल ये था कि आखिर मंदिर में इतनी घंटियाँ क्यों हैं, क्या है इसका रहस्य? ये जानने के लिए हमने देखा कि पति पत्नी मंदिर में घंटी बांध रहे थे। हमने उनसे बात की तो घंटी बांधने की पहेली सामने आ गई। यहाँ की मान्यता बहुत है, इन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमारी शादी होगी तो फिर हम उसके बाद आएंगे, तो बस आज उसी के लिए आज दर्शन करने आए। और मेरी मान्यता इसलिए बड़ी क्योंकि मेरे भाई की जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो यहाँ पे आया, उसने लेटर में लिखा कि उसकी फॉरेन में जॉब लग जाए, एंड विद इन वन मंथ उसकी जॉब लग गई। तो तब से हमारी बहुत मान्यता बढ़ गई कि यहाँ एक्चुअली मन्नतें पूरी होती हैं। मान्यता है कि गोलू देवता भक्त की अर्जी पर फौरन न्याय करते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु यहाँ आकर घंटी चढ़ाते हैं।
मेरे ठीक सामने ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग का एक शिलापट है जिसमें लिखा हुआ है कि गोलू देवता को समर्पित यह मंदिर त्वरित न्याय के देवता के रूप में स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। गौर वैरव शिव का एक स्वरूप है जो कि गोलू देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिरों में हजारों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। गोलू देवता मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। लोग मन्नत पूरी होने पर मंदिर में घंटियां लेकर आते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके मंदिर में घंटी बांधते हैं। चिट्ठियां गुलजू के आगे थोड़ी देर के लिए समर्पित होती है, ऐसे ही घंटी भी समर्पित होती है, उसके बाद उसको बाहर टांग दिया जाता है। लोगों की अपने अपने मनोकामना के लिए कुछ लोग घंटियां चढ़ाते हैं। मैं जो भी आज तक मांगने आई हूँ मेरा पूरा हुआ है। पहले भी आ चुका हूँ और मेरी वो मनोकामना पूरी भी हुई है। मंदिर में गोलू देवता साक्षात विराजमान है। गर्भगृह में सफेद घोड़े पर सवार गोलू देवता की शिला पर बनी तस्वीर बेहद अद्भुत और अनोखी है, जिसके दर्शन से ही लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चितई के गोलू देवता के इंसाफ के मंदिर में हमने चिट्ठियों की आस्था का विश्वास देखा, घंटियों में से निकलती परंपरा की ध्वनि भी सुनी जो सदियों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सच से भी ज्यादा सत्य है। विज्ञान के लिए भले ही सदियों से ये सच चुनौती बना रहा हो, लेकिन विश्वास का सत्य यही है कि गोलू देवता के इंसाफ के इस मंदिर में आस्थावान आते हैं, अपनी मन्नत चिट्ठी से लेकर स्टाम्प पेपर में लिखते हैं और मन में मन्नत पूरी होने की आस्था लेकर लौट जाते हैं। जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वो घंटी भेंट करके भगवान के चरणों में कृपा बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं।